हेलो दोस्तों, ब्रेजाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज से जूस, यानी कि तरबूज का जूस। यहाँ पर मैंने 1 किलो तरबूज लिया है, जिसको मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है। इसके बीजों को मैं रिमूव कर दे रही हूँ। निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर नहीं निकालना चाहते तो भी कोई बात नहीं। झटपट बनानी है, फटाफट काटिए। बड़े बड़े आकार में इसे हम काट लेते हैं। ऐसे एक एक करके मैंने सारे तरबूज के गुदों को काट लिया है और इसका छिलकों को हम अलग कर देंगे। थोड़ा सा तरबूज को हम बचा लेंगे डेकोरेशन के लिए। बाकी सब तरबूज मैंने काट लिए हैं, देखिए यहाँ पर कितने मोटे मोटे आकार में मैंने काटे हैं। अब बड़ा सा मिक्सी बाउल लेंगे, जिसमें हम डालेंगे सारे तरबूज के गुदों को। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्तों को। यहाँ पर मैं 6 चम्मच खाने वाले चम्मच से चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। अब इसे हम बारीक पीस लेते हैं। एक बाउल रखेंगे, जिस पर रखेंगे चाय छलनी। यहाँ पर देखिए मैंने बारीक जूस निकाल लिया इसका, इसको छलनी पे हम डाल देंगे और चम्मच की सहायता से अब इसे हम इस तरह से घुमा देंगे ताकि सारे जूस हमारे बाउल में निकल जाएँ और बीज बच जाएँ छलनी में। इस तरह से देखिए सारे बीज छलनी में बच गए हैं, इसको हम फेंक देंगे। देखिए जूस बनकर तैयार है। अब नींबू लेंगे 1, जिसका रस हम इसमें डाल देंगे। नींबू को निचोड़ लेते हैं। मैंने अभी आधा नींबू का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं और आधा नींबू का इस्तेमाल करूंगी। 1 नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ लिया है। अब देखिए जूस बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। अगर आपको नमक नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए, मीठा ही बना लीजिए। ग्लास भी तैयार है। इसमें डालते हैं बर्फ। अब इसमें जाएंगे जूस। हमारा दोनों ग्लास भर चुका है। अब ये कटे हुए तरबूज के गूदे को मैं बारीक काट ली हूँ, इसको हम डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दे रही हूँ। अब यहाँ डालेंगे हम पुदीना के पत्ते। अब आती है नींबू की बारी। हमारा तरबूज का जूस बनकर बिल्कुल देखिए तैयार हो गया है। अब पीने में आएगा असली मज़ा। गर्मियों में बनाइए, बच्चों को पिलाइए, खुद पीजिए, मेहमानों को भी पिलाइए तरबूज के जूस। अगर आपका जूस कम लग रहा है आपको, तो इसमें ठंडा पानी ऐड करके 2 से 4 ग्लास भी बना सकती हैं। हमारा तरबूज का जूस एकदम तैयार है।